इस वीडियो में हम यहाँ पे फ़ॉन्ट पिकर के बारे में सीखने वाले हैं कि हम फ़ॉन्ट पिकर को यहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आप इसको इजीली प्ले स्टोर पर जाकर के फ़ॉन्ट पिकर लिख करके आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी इस एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से अटेंशन का आपके सामने मैसेज आएगा, आपको बस सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे, आपका इंटरनेट यहाँ पे ऑन होना चाहिए, तो आपके सामने यहाँ पे फॉन्ट्स की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे देखिए एक बार सजेशन देगा फर्स्ट टाइम, तो कुछ इस तरीके से आप जहाँ पे भी आपको सजेशन देगा वहाँ पे क्लिक करके सजेशन को यहाँ से रिमूव कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कितने सारे फॉन्ट है, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो अगर कोई फॉन्ट आपको सर्च करना हो, कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हो। आपको यहाँ पे देखिए ये दिल जो है इसका ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हो, कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, लैंग्वेज के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से भी आप देख सकते हो। जैसे मान लीजिए सॉर्ट के अंदर मैं आता हूँ और मैं यहाँ पे इसको चूज़ कर लेता हूँ स्टाइल क्वालिटी को। आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्टाइल क्वालिटी, मैं इस पर जैसे क्लिक करूँगा तो अब मुझे यहाँ पे जो फॉन्ट दिखेंगे वो सारे के सारे स्टाइल क्वालिटी वाले होंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे कैटेगरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको देखें सेंस सेरिफ डिस्प्ले और सेरिफ हैंड राइटिंग मोनोस्पेस, तो अगर आप इनमें से किसी को हटाना चाहते हो तो वो हटा सकते हो, बाकी मुझे ये सारे चाहिए। लैंग्वेज के अंदर अगर आप आते हो तो आपको यहाँ पे देखे काफ़ी सारी लैंग्वेज मिल जाएगी, आप जिसको चाहो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मुझे चलिए और लैंग्वेज में चाहिए। प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर आप आते हो तो आप यहाँ पे इसकी विड्थ और स्लैंट थिकनेस जो होती हैं आप इसको यहाँ पे लगा सकते हो। बाकी मैं रिसेट करके इसको कट करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे कोई एक फॉन्ट देख लेता हूँ जो मुझे अच्छा लगे। अब देखिए यहाँ पे ये एक फॉन्ट है, आप ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो आप इस वाले डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको इसको यानी फेवरेट वाले ऑप्शन में ऐड करना है तो आप इस दिल वाले पे क्लिक करेंगे। अगर आपको इसकी और कैटेगरीज देखनी है यानी कि बारीक वाले में कैसे दिखेगा ये, वो सारी की सारी चीज़ें रेगुलर पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए मैं इस फॉन्ट पे ही क्लिक करता हूँ। इस फॉन्ट पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसकी 18 कैटेगरी है। हर एक फॉन्ट के साथ आप यहाँ पे देख रहे होंगे उसकी कैटेगरी भी लिखी हुई है। तो अभी जो मैं यहाँ पे फॉन्ट देख रहा हूँ इनके 18 आपको दिख रही होगी, लेकिन ये कम ज़्यादा हो सकती है, आप अपने फॉन्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो चलिए मैं इसको अब यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो ये वाला फ़ोन यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये डाउनलोड हो चुका है। चलिए मैं शेयर देखिए यहाँ पे ये सजेशन दे रहा है ना कि शेयर कर सकते हो, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से आप सेव कर सकते हो। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से ये हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो फॉन्ट है कुछ इस तरीके से लिखता है। जब आप इस फॉन्ट से यहाँ पे कुछ और भी लिखकर देख सकते हो, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शाकिर कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके से शो होगी आपकी टेक्स्ट। ये इस तरह का फॉन्ट है। अब अगर आप इसको सेव करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सेव के आइकन पे क्लिक करोगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अगर आप कोई पाथ जो है अपनी फाइल का वो पिक करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके पिक कर सकते हो। अदरवाइज सेव फॉन्ट पर अगर आप क्लिक करोगे और आपको परमिशन अलाउ करनी होती है फर्स्ट टाइम, तो डॉक्यूमेंट के अंदर आपको फॉन्ट्स और फॉन्ट्स का एक फोल्डर मिल जाएगा। आप जब उसके अंदर जाओगे तो आपको ये वाला फॉन्ट जो है इस नाम से, जो आप ऊपर ये नाम देख रहे होगे इस नाम से आपको ये मिल जाएगा। आप देखिए यहाँ पे बोल्ड इटैलिक इसको करके देख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। सेटिंग्स के अंदर अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे सेव और रिस्टोर का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप रिस्टोर पे क्लिक करोगे तो देखिए डेमो टेक्स्ट रिस्टोर्ड, सेव पे क्लिक करोगे डेमो टेक्स्ट सेव, कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैसेज आ गया है। तो ये है इसके फॉन्ट पिकर से फॉन्ट को डाउनलोड करने का तरीका। मैं आपको एक फॉन्ट और यहाँ पे डाउनलोड करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वाला फॉन्ट आप यहाँ पे जो देख रहे होंगे, ये वाला फॉन्ट मुझे पसंद आ गया तो मैं इसके सामने डाउनलोड वाले पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मेरे सामने आ जाएगा। अगर मैं इसको सेव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे आऊँगा और सेव फॉन्ट पे क्लिक कर दूँगा। देखिए ये सेव हो चुका है। अब चलिए मैं आपको अपने फाइल मैनेजर में लेकर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये फॉन्ट जो मैंने अभी सेव किया है वो सेव भी हुए हैं या नहीं। अब देखिए मैं यहाँ पे अपने फाइल के अंदर आ गया हूँ। इसके अंदर मैं देखिए डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर के अंदर आया और उसके बाद में फॉन्ट्स वाले फोल्डर के अंदर आया। अगर आपने जो मैंने फॉन्ट सेव किए हैं अगर आपने उनके नाम मैच किए होंगे, उनके नाम याद रखे होंगे, आप देख भी सकते हो पीछे से, तो आपको पता ही होगा। देखिए ये वाला फॉन्ट जो है कुछ इस नाम से, ये मैंने अभी सेव किया है, आपको पता होगा, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऊपर यही नाम है इस वाले फॉन्ट का। और जो इससे पहले फॉन्ट मैंने सेव किया था मुझे अच्छे से उसका नाम याद नहीं है, शायद एफ से वो नाम शुरू था। हाँ ये देखिए यहाँ पर ये आ गया है कुछ इस तरीके से, फिराज सेंस एक्स्ट्रा कुछ इस तरीके से इसका नाम है। अब आप इनको इजीली यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको ये वाला फॉन्ट यूज़ करना है आप इसको यूज़ कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको आज की जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी।